इस इंसान ने अपने 82 साल के जीवन काल में कभी किसी औरत को नहीं देखा। एंड हाँ, ये इंसान अंधा भी नहीं था। मिहाइलो टोलोटर्स 1856 में पैदा हुए थे। इनके पैदा होने के कुछ ही दिन के बाद इनकी माँ का देहांत हो जाता है। कुछ लोग इन्हें माउंट एथोस नामक मोनेस्ट्री में दे देते हैं, जहाँ ये एक मॉन्क की तरह बड़े होते हैं एंड मोनेस्ट्री की देखभाल में लग जाते हैं। इस मोनेस्ट्री के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली वुमेन्स को लेकर, जहाँ औरतों को मोनेस्ट्री के आसपास भी आने की परमिशन नहीं है। चूंकि टोलोटर्स ने अपना पूरा जीवन मोनेस्ट्री में ही रहकर बिता दिया, इसलिए कभी किसी औरत को नहीं देखा। एंड एट द एंड 1938 में न्यूज़पेपर में न्यूज आती है, मिहाइलो टोलोटर्स अब नहीं रहे। एंड ये शायद से दुनिया के पहले एंड आखिरी इंसान थे जिसने अपनी 82 साल की जीवन काल में कभी किसी औरत को नहीं देखा। इस मोनेस्ट्री के रूल्स के बारे में तुम क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।